नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान आया। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने मांग की है हिंदू धर्म के मंदिर सरकार के संरक्षण से मुक्त हो। वे संरक्षण और विकास दोनों कर लेंगे। हिंदू मंदिरों का धन विधर्मियों को चला जाता है, अल्पसंख्यकों पर मंदिर का धन खर्च होता है। भारत भक्ति अखाड़ा के माध्यम से ये मांग सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने की है। तो सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने मांग की हिंदू धर्म के मंदिर सरकार के संरक्षण से मुक्त हो। और आइए अब आपको सुनवाते कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा। यहाँ बर्धमान सिटी प्लाजा में बनाया गया है, ये यहाँ का केंद्र है और अब यहाँ से भारत भक्ति अखाड़े की गतिविधियाँ प्रारंभ होंगी। धर्म का प्रचार प्रसार होगा, धर्म की रक्षा के लिए यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रभक्ति को जगाने के लिए यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे। यही भारत भक्ति अखाड़े का उद्देश्य है। जिस प्रकार से अन्य जो मतावलंबी हैं उनके जो स्थान हैं, हमारे स्थान सरकार के कब्जे में रहते हैं, सरकार के संरक्षण में रहते हैं, कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा कि भारत ये जो जितने भी हमारे मंदिर है वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हो। हिंदू स्वयं धर्मावलंबी जो लोग हैं वो स्वयं अपने मंदिरों का संरक्षण भी कर लेंगे, उनका विकास भी कर लेंगे और हिंदुओं की श्रद्धा का जो धन है, जो वो दान में देते हैं, वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। ये भारत भक्ति अखाड़े की विशेष तौर पर मांग नहीं, ये उद्देश्य है और इसको पूरा करेंगे। और इसी प्रकार से किसी भी हमारे सनातनी बंधु बांधव यहाँ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर जी, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बड़ा बयान यहाँ पर, उन्होंने हिंदू धर्म के मंदिर को सरकार के संरक्षण से मुक्त करने को लेकर बयान दिया, क्या कुछ जानकारी? चलिए, लगता है अंकुर जी से संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आपने सुना, उनका एक बड़ा बयान, उन्होंने मांग की है हिंदू धर्म के मंदिर सरकार के संरक्षण से मुक्त हो। वे सरकार संरक्षण और विकास दोनों कर लेंगे। हिंदू मंदिरों का धन विधर्मियों को चला जाता है, ये कहा है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। अल्पसंख्यकों पर खर्च किया जाता है मंदिर का धन, भारत भक्ति अखाड़ा के माध्यम से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मांग की है। और चलिए एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान, इस बार उन्होंने जो है हर बार बयान देती हैं, विवादित बयान देती है, लेकिन इस बार बड़ा बयान हिंदू धर्म के मंदिरों को सरकार के संरक्षण से मुक्त करने की उन्होंने मांग की है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार देखने में आया कि प्रज्ञा ठाकुर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी उन्होंने हिंदू मंदिरों को लेकर कहा कि हिंदू मंदिरों का धन धर्मियों को चला जाता है, सरकार के कब्जे में सिर्फ हिंदू मंदिर ही रह जाते हैं। हिंदू धर्म के मंदिरों को सरकार से संरक्षण से मुक्त कराने के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि इसके लिए वह आंदोलन करेंगी। बड़े बड़े मंदिरों के अल्पसंख्यकों को पर खर्च होता है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी बात यही कही है कि जो मंदिर सरकार के कब्जे में रहते हैं इनको सरकार से मुक्त कराने के लिए वह एक आंदोलन करने जा रहे हैं। जी अंकुर जी, जिस प्रकार से अब जो है साध्वी प्रज्ञा का जो ये बयान आया है, इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को अब सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, कांग्रेस के पाले में ये मौका चला गया है और इसको लेकर बीजेपी के नेताओं की अभी तक क्या कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है?
बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये अभी कुछ समय पहले का ही मामला है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा तो मिल गया है। उपचुनाव का समय चल रहा है, कांग्रेस इस तरह के मुद्दे तलाश रही है, और जब भाजपा के नेता ही इस तरह की बातें अगर उठाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को बैठे बिठाए मिल गया है। जी बिल्कुल अंकुर जी, जिस तरीके से अगर हम साध्वी के बयानों की बात की जाए, अगर पिछले उनके बयान भी देखे जाएं, काफी चर्चित रहे, सुर्खियां बटोरी उनके बयानों ने, कहीं ना कहीं विवादित जिस प्रकार से बयान देती हैं वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को मुसीबत में डालने वाले होते हैं। और ये बयान भी अब ऐसा लग रहा है उपचुनाव से ठीक पहले उनका ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं कर दे। निश्चित तौर पर उपचुनाव के पहले इस तरह का उनका बयान विवादित बयान है, वो कह सकते हैं कि अब फिर पार्टी लेवल पर कई बार उनसे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है, और अब भी ऐसा हो सकता है कि उनके खिलाफ इस तरह से पार्टी संज्ञान। अंकुर जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस से पीसी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पीसी शर्मा जी बहुत स्वागत आपका। जी पीसी शर्मा जी, सबसे पहले तो हम आपको साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया उस बयान पर। जी सुनवाते हैं आपको बयान। मैं यहाँ वर्धमान सिटी प्लाजा में बनाया गया है, ये यहाँ का केंद्र है, और अब यहाँ से भारत भक्ति अखाड़े की गतिविधियां प्रारंभ होंगी। धर्म का प्रचार प्रसार होगा, धर्म की रक्षा के लिए यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे, और राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रभक्ति को जगाने के लिए यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे। यही भारत भक्ति अखाड़े का उद्देश्य है। जिस प्रकार से अन्य जो मतावलंबी हैं उनके जो स्थान हैं, हमारे स्थान सरकार के कब्जे में रहते हैं, सरकार के संरक्षण में रहते हैं, कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है, और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा, और सरकार से ये आवेदन करेगा कि। तो पीसी शर्मा जी, सबसे पहले तो आपने ये बयान सुना, अब आपकी प्रतिक्रिया इस बयान पर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो बयान दिया है मंदिर को लेकर, हिंदू धर्म के मंदिर को सरकार के संरक्षण से मुक्त करने की उन्होंने यहाँ पर मांग उठाई है। सिंह ठाकुर जो है सांसद है, बीजेपी के नेता है, दिल्ली में भी मोदी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी इनकी पूरा सरकार है, तो स्टेटमेंट देने के बजाय अगर मुक्त करा सकती है ना, एक माओवादी कह रही है शराब बंद होना चाहिए, करा पानी रहे, शराब बंद होना चाहिए, ये कह रही कि मंदिर मुक्त होना चाहिए, कलेक्टर उससे कराएं, तो इस तरह पर उन्होंने ये भी कह दिया कि कलेक्टर वगैरह जिनके हाथ में ये सब भरते हैं और ये इसका पैसा इधर उधर अधर्मी काम हम करते होते हैं। हमने तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने तो ये कहा था कि जितने भी मंदिर हैं, जो पास की जमीन बने हैं, इनको पट्टे दिए जाएंगे, पर ये सरकार गिरा दिया, उसको रोक दिया। तो ये केवल इनके तो बोलते रहते हैं, ये करते वरते कुछ नहीं है। हमने तो जो मंदिरों के जो अधिकारी हैं उनको उनका मानदेय 3 गुना बढ़ाया था, तो ये स्टेटमेंट कब तक देती रही है सर का, ये इनको करना चाहिए कि सरकार इनकी तो करें। जी पीसी शर्मा जी, जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिरों को सरकार के संरक्षण से मुक्त करने की मांग की, क्या आप उनसे सहमत हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, सहमत का सवाल नहीं है, करेगा कुछ, करे तो हर चीज में स्टेटमेंट आता है इनका। जी सिर्फ स्टेटमेंट ही देते हैं, दिल्ली में भी इनकी है, यहाँ पे भी इनकी है। हमने तो इससे आगे कहा था कि जितने भी मंदिर शासकीय जमीन में है उनको पट्टे दिए जाने का पूरा प्लान बनाया था, और वो व्यवसायिक वो भी कर सके जिससे उसका मंदिर का जो भी खर्चा है, पुजारी का खर्चा वहां से उठ सके, और 3 गुना हमने पुजारियों का मानदेय किया था। ये करते वरते कुछ नहीं, क्यों स्टेटमेंट देते हैं। जी बिल्कुल, चलिए अब हमारे साथ पीसी शर्मा जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए पीसी शर्मा जी, एक बार फिर मैं आपके पास ही लौटना चाहूंगी, जिस तरीके से जो है आपने कहा कि ये सिर्फ स्टेटमेंट देते रहते हैं, आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन हमने देखा कि शराबबंदी की मांग जो है उमा भारती ने पहले भी की थी, अब एक बार फिर उन्होंने मांग रखी है और आगे भी जो है वो इस चीज को
कह रही हैं कि इस चीज को लेकर वो आगे और ज्यादा प्रयासरत हैं और कदम भी उठा रही हैं लगातार। अरे अभी शुरू में इतनी करते हुआ भारती की जो मंदिरों के पास दुकानें बनी हुई उनको हटवा दें, जो स्कूलों के पास बनी उनको हटवा दें, यहाँ से शुरुआत करें। जी चलिए शुक्रिया पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात कर ले, हालांकि हमने पीसी शर्मा जी की प्रतिक्रिया भी ली इस पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के नेता जो हैं, चाहे हम साध्वी की बात कर ले या फिर उमा भारती की बात कर ले, स्टेटमेंट देते हैं लेकिन आगे जो है कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठाया जाता जिससे कि दिशा में आगे बढ़ सके। उमा भारती ने भी शराबबंदी की मांग की लेकिन स्टेटमेंट ही बनकर उनका रह गया है, आगे किसी प्रकार की कोई जो है इस कदम नहीं दिखा, कोई कार्रवाई नहीं दिखी कि उमा भारती ने भी जिस तरीके से बयान दिया लेकिन उसके बाद अब साध्वी का भी ये बयान आया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ बयान जो है बयान ही बनकर रह जाता है या फिर इस दिशा में आगे जिस प्रकार से मांग की गई है उस मांग को और तेज किया जाएगा।